हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब अच्छे होंगे। और बहुत बार आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, बट मेरी अभी यहाँ पर बैठा दिया है क्योंकि मैं तो फिर मैं बात नहीं कर पाऊँगी ना। और आप लोग बार बार मेरे से बोल रहे थे दीदी क्या हुआ, तो मेरी अभी हालत ठीक नहीं है। ये ओट के नीचे ये सूजन है, सर के अंदर बहुत दर्द है, यहाँ पर पूरी हाथ में यहाँ पर बहुत दर्द है, जो कि मैं आपको दिखा नहीं सकती क्योंकि अंदरूनी है। ये दिखा सकती हूँ, ये सब सूज रहा है, तो ये मेरे हाथों में और मेरे बहुत दर्द है बहुत। और मैं आप लोग बोलते हो ना मैं सिंपैथी गेन कर रही हूँ, मैं सिंपैथी गेन नहीं करती क्योंकि जो मेरे साथ हो रहा है मैं दूसरों की फीलिंग समझ सकती हूँ। और बहुत सारे लोग बोलते हैं ये डाइवोर्स ले लो, मेरा डाइवोर्स केस ऑलरेडी चल रहा है, बस मैं अपनी बेटी की वजह से झेल रही हूँ। जो मेरी बेटी का फ्यूचर है वो बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि हर जगह अपने पापा के नाम की ज़रूरत होती है, तो बस यही सब झेल रही हूँ। और यहाँ पर दिया है, और दिया मेरे साथ कल से है, और सारा मेरा ध्यान भी रख रही है। कल सारिका का भी फ़ोन आया था, तो मेरी तो हालत भी नहीं थी कि मैं बात कर लूँ, तो फिर दिया ने सब कुछ बताया उसको कि मौसी ऐसे ऐसे मम्मी को मारा है, ये है वो है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी पे यह असर पड़े, इसलिए मैं सब कुछ इग्नोर करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं किसी से बोलती हूँ, क्योंकि अब 4 साल हो गए झेलते झेलते, 5 साल हो गए कुछ भी नहीं बोलती हूँ मैं। बहुत सारी बातें तो मैं नहीं बोलती हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं आप सोशल मीडिया पे बोलोगी तो वो लोग देख लेंगे, तो कब तक मैं झूठ बोलूँगी, मैं कब तक नहीं बोलूँगी। अब मैं वैसे भी अम्मा रहना, अब मैं छोड़ क्या करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आता। अब मैं सोच रही हूँ कि जॉब करूँगी, अब पता है इतना कुछ होने के बाद में माफ़ी मांग लो या फिर प्यार कर लो, क्या फ़ायदा हर बार का यही ड्रामा है, मार लो पीट लो फिर माफ़ी। मैं आपको बता भी नहीं सकती, मैं क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ, मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग बोलेंगे सिंपैथी गेन कर रही हो, मैं कभी ना रो कर या ऐसे वीडियो नहीं बनाती हूँ ताकि आपको पता नहीं चले, मैं कुछ भी ना शो ऑफ नहीं करना चाहती हूँ, हमेशा हंसते खेलती बता देती हूँ। अगर मेरे प्यारी सब्सक्राइबर है उनका भी फ़ोन आया था मेरे पास कल रात में, तो मेरी इतनी हालत नहीं थी कि मैं उनसे ज़्यादा बात कर पाऊँ, तो मैंने फिर काट दिया था। मोनिका नाम है उनका, तो मैंने उनका फ़ोन काट दिया था। तो समझ गई होंगी कि मेरी भी हालत इतनी नहीं है कि मैं ज़्यादा बात कर पाऊँ। कल कम्युनिटी टैब पर भी बहुत सारे कमेंट आए थे, तो मैंने किसी का रिप्लाई नहीं करा था क्योंकि मेरी हालत इतनी ठीक नहीं थी, बट आज तो भी थोड़ी बहुत ठीक है। मुझे नहीं पता था मेरे क्या दोस्त है, क्या गलत है क्या नहीं है, बस ये बताएं मुझे कि मैं जो बात बोलती हूँ मुँह पे बोलती हूँ, झूठ बोलती नहीं हूँ, सच बोलती हूँ। और कोई भी बात होती है ये नहीं है कि उसके पीछे उसकी बोल दूँ, उसके पीछे उसकी बोल दूँ, जो बात होगी तुम्हारी तुम्हारे मुँह पे बोल दूँगी, और कभी इधर की उधर नहीं करती, सच बोलती हूँ। और मैं ये भी बात सच बोल रही हूँ, अगर कोई वीडियो देखेगा तो देख ले, मैं कोई भी बात नहीं झूठ बोल रही इसमें। और मेरे ऊपर केस भी चल रहा है, ये नहीं कि मेरे पास केस नहीं चल रहा। मुझे सबसे ज़्यादा दुख होता है कि मेरे हस्बैंड ना ये नहीं समझते कि मैं भी एक लड़की हूँ और किसी की लड़की हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत बार अपने हस्बैंड को भी चांस दे दिया है, इतना कुछ होने के बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, कहते तुम खाओगी नहीं तब तक मैं नहीं खाऊंगी, ऐसे मैं कैसे खा लूँगी, और एक दिन का हो तो मैं खा भी लूँ, एक दिन का रोज का ड्रामा है ये सब। कब तक मैं माइंड में घर के अंदर रहती हूँ, सारी जॉब छोड़ दी, पढ़ाई छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया मैंने, अब क्या छोड़ दूँ, ज़िंदगी छोड़ दूँ, मर जाऊँ, क्या करूँ बताऊँ आप लोग। कभी कभी तो ख्याल आता है मैं खुद मर जाऊँ, अपनी बेटी को मार दूँ, हम दोनों की कलेसा, हम दोनों के सब कुछ है दोनों, तो बस मेरी बेटी बहुत छोटी है, उसे तो भी कुछ समझ में नहीं आता, बस इतना पता है कि मम्मी को मारा है, मम्मी के खून निकल रहा था, बस इतना ही पता है। पड़ोस वाली आंटी है उन्होंने बचाया था, बस इतना ही पता, उससे कुछ भी नहीं पता उसको।
मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि जो मेरी तरह तकलीफ झेल रही है, चिंता मत करो, मैं उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ और करूँगी, जरूर करूँगी डेफिनेटली। और आप लोग शायद मेरे साथ हो, अगर मेरे साथ हो तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना और सब तो और सपोर्ट करना। और मेरे ऐसे जो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हैं, सब कुछ सिखा रहे हैं, तो उनसे मेरे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अब टेंशन मत लो, 2 महीने रुक जाओ, मैं आप लोगों के लिए ऐसा करूँगी कि हम सब साथ रहेंगे, हम सब साथ रहेंगे और उन ऐसी लड़कियों के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, तो हम सब साथ रहेंगे। मैं ये सोच रही हूँ कि जितने भी लोग प्रॉब्लम में हैं, हम सब साथ रहें, साथ जॉब करें, सब कुछ करें और उसके बाद सब कुछ करें, उसके बाद आगे बढ़ें और उसके बाद सब लोग इकट्ठे होकर जॉब वगैरह करें, सब कुछ करें और ऐसे जो भी लड़कियां डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हैं उनके लिए कुछ करके दिखाएं। मैं रोना भी नहीं चाहती हूँ, बट मुझे तो इतना भी होश नहीं था, किसने मेरे हाथ पकड़े, किसने मेरे दीवार में से मारा, कुछ भी नहीं पता मुझे, तो बस इतना पता मैं आधी बेहोश थी और आधी पानी तो फेंक लो। नहीं पानी नहीं है बेटा, ये कोल्ड ड्रिंक है। मुझे बस इतना पता, मुझे आधा होश था कि बस मुझे पीटा जा रहा है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ भी होश नहीं था। क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ भी नहीं पता मुझे। मेरे हस्बैंड का दोस्त है कि वो चाहे बाद में माफ़ी मांग ले, चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन एक बार गलती हो जाए तो वो कभी सुधर नहीं सकती, और एक बार हो तो चलो माफ़ भी कर दो, हर बार के तो माफ़ नहीं किया जा सकता ना, कितनी बार माफ़ करेंगे हम, कितनी बार। नहीं फेंको नहीं, ये बोतल बाद में दे लेना ठीक है, कितनी बार माफ़ करा जाएगा, कितनी बार। मेरी बेटी अब समझदार है, सब समझती है। हाँ ये अभी ख़त्म हो जाए ना तब, तो बस उनकी ये गलती क्या फ़ायदा, जब तुमने ये सब इतना सारा काम हो गया, मारपीट हो गई, सब कुछ हो गया, इतने मारा, उसके बाद माफ़ी मांग लो, क्या बात है सारे कि मेरी क्या कोई इज्जत नहीं है, कि मेरी बेटी की कोई इज्जत नहीं है, क्या है, क्या फ़ायदा माफ़ी मांगने से, क्या करने से, ऐसे तुम क्या कर रहे हो मेरे लिए, तुमने मेरी पढ़ाई रुकवा दी, तुमने मेरी जॉब छुड़वा दी, तुमने कभी ये नहीं सोचा कि मैं भी किसी के लड़के हूँ, मेरी भी कोई इच्छाएं हैं, कुछ नहीं सोचा तुमने मेरा, तो काहे के हस्बैंड हो तुम फिर, मेरे को दुख नहीं होता, मेरे हस्बैंड ने मेरा सब कुछ छुड़वा दिया, मेरे पास ब्यूटिशियन का कोर्स किया, मेरे पार्लर खोलने का बहुत मन था, मेरे घर में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए नहीं है बस, और इसी मैं सोचती हूँ कि मेरी बेटी बस पढ़ जाए, लिख जाए, जॉब कर ले और उसको सब कुछ हो जाए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे है ना छोड़ना पड़ेगा, तब मैं खुद ही अपनी बेटी को पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी, सब कुछ करूँगी और उसी के लिए जीऊँगी। बहुत कुछ सहन कर लिया, बहुत कल मेरी बहुत फ़ोन आए सबके, बट मैं नहीं रिसीव कर पा रही थी, तो मैं अंदर से टूट गई थी, मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी मैं सबसे बात कर लूँ, क्या कर लूँ। मैं फ़ोन भी ये रखी हुई हूँ ना, तो अपनी वजह से रखती हूँ, ये भी फ़ोन रखना भी मुझे अलाउ नहीं है, मैं तो फ़ोन भी नहीं रख सकती हूँ, पता है मैं किसी से कुछ भी नहीं कहती हूँ, ये फ़ोन भी मेरे पापा ने दिलाया है मुझे, पर जिस पर बीतती है ना वही जानता है, कुछ लोग बोलेंगे सिंपैथी गेन कर रहे हैं, कुछ कहेंगे कुछ, बट जिस पर बीतती है ना वही जानता है, मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहती हूँ, मैं हमेशा हंसती खेलती रहती हूँ ताकि मेरी बेटी पर कोई असर ना पड़े, और फिर ज़रूरत क्या है, अगर हम किसी को बता भी देंगे तो हमारी कोई हेल्प करने नहीं आएगा। मैं अपने मम्मी पापा को भी कोई भी बात नहीं बताती, कल मेरे साथ इतना कुछ हो गया, मैंने अपने मम्मी पापा को एक भी बार फ़ोन तक नहीं कराया, मेरी बहन का फ़ोन आया तो मैंने ये बोल दी कि मैं गिर गई हूँ, मैंने अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताती, इसलिए कि उन लोगों को दुख ना हो। बस क्या मन करता है मैं मर जाऊँ, अपनी बेटी को मार दूँ, ऐसा से अजीब ख्याल आते, पर मैं ऐसा कुछ भी करूँगी नहीं, क्योंकि मैं अपनी बेटी के लिए जीऊँगी, अपनी बेटी के लिए आगे बढ़ूँगी और उसको कुछ बना के दिखाऊँगी, चाहे मेरे हस्बैंड मेरे साथ दें और चाहे नहीं दें, ऐसे साथ देने से क्या फ़ायदा, मारपीट रोज़ की गाय कले, सब कुछ तुमने मेरा छुड़वा दिया, मेरा क्या भविष्य नहीं था, मैं किसी की बेटी नहीं थी, मेरा क्या कोई मन नहीं था, मेरा भी तो मन था, मैं भी तो किसी की बेटी थी, बहुत दुख होता है ये सब सोच के याद करके,
जब सब लोग हंसते खेलते हैं, सब लोग पढ़ने जाते हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके हस्बैंड करा रहे हैं, तो मुझे भी तो मन करता कि मेरे हस्बैंड भी ऐसे होते हैं। बहुत दुख होता है, पर क्या करें, किसी की फीलिंग्स को महसूस कर सकते हैं पर उसका जो दर्द होता है वो महसूस नहीं हो पाता, कितना भी बोलो। बहुत जो जिस पर बीतती है ना, जो मेरी जगह पर जैसे मेरे ऐसा सहा होगा वो समझ सकता है फुल फीलिंग्स मेरी। तो मैं ये वीडियो यही एंड करती हूँ, आप लोग समझ गए होंगे, मेरा सपोर्ट करना, और क्या करूँ क्या नहीं करूँ मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा एक तरफ मन कर रहा है कि मैं छोड़ दूँ सब कुछ, बहुत सहन किया है मैंने, बस मेरा है ना एक इनकम सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगा ना, ये सोर्स ऑफ इनकम नहीं है मेरे पास, अभी इनकम का कोई सोर्स नहीं है, हो जाएगा तो मैं छोड़ ही दूँगी। आप लोग मेरा हमेशा सपोर्ट करना। बाय।